आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुट गई है। पार्टी की ओर से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने जमीनी स्तर पर रणनीतिक तौर पर काम तेज कर दिया है। पार्टी ने कई वीआईपी सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं। इन सीटों में फिरोजाबाद सीट भी शामिल है। सूत्रों का कहना है कि अक्षय यादव इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को तैयारी शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। पार्टी की ओर से सपा प्रमुख और शिवपाल यादव खुद राज्य की अलग अलग लोकसभा सीटों पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बीते दिनों शिवपाल यादव पूर्वांचल के दौरे पर गए, इसके बाद पश्चिमी यूपी का उन्होंने दौरा किया था, लेकिन बुधवार को सपा नेता फिरोजाबाद पहुंचे थे। सूत्रों की माने तो फिरोजाबाद से इस बार रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ेंगे। अपनी दावेदारी तय होने के बाद से ही अक्षय यादव लगातार फिरोजाबाद में एक्टिव हैं, लेकिन बुधवार को उनके साथ शिवपाल यादव और आदित्य यादव भी नजर आए। इससे पहले पिछले लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव अक्षय यादव के खिलाफ फिरोजाबाद से ही चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में अक्षय यादव को हार का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि इस चुनाव में शिवपाल यादव को करीब 92,000 वोट मिले थे। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने करीब 28,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इस वजह से अक्षय यादव की हार के पीछे चाचा शिवपाल के चुनाव लड़ने को ही मुख्य वजह माना गया है। तब शिवपाल अपनी पार्टी प्रसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। बता दें कि आगामी चुनाव में कन्नौज से अखिलेश यादव, आजमगढ़ से शिवपाल यादव, मैनपुरी से डिंपल और फिरोजाबाद लोकसभा सीट से अक्षय यादव का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। इन सीटों पर सपा ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।